आप जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष महिला लड़की, पड़ोसन हो सकती है आपकी, भाभी हो सकती है आपकी, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपसे बहुत दूर रहता हो, उसे भी आप अपने वश में करवा सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो हमारे नंबर पर कॉल लगाइए जानने के लिए कि ये मंत्र क्या है और इस मंत्र का सही तरीके से उच्चारण कीजिए और उस व्यक्ति को अपने वश में कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों क्या आप मेहनत कर कर थक गए हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? आपके ऑफिस में आपसे जो जूनियर है वो अब आपसे सीनियर बन गए हैं और आप अपने जूनियर के भी जूनियर हो गए हैं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं लेकिन आपको इसका फल नहीं मिल रहा। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान शिव को मनाना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर भगवान हमसे नाराज है तो हम कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन हमारा कार्य कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मेहनत के साथ हमें थोड़ी धार्मिक आस्था भी रखनी चाहिए, हमें भगवान को पूछना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए। अगर हम भगवान को मनाते हैं, उसे पूछते हैं, तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। अगर वो प्रसन्न हैं तो वो कभी हमें उदास नहीं होने देंगे। तो आज मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय बताऊंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो नहीं होगा। अगर भगवान शिव मान गए तो मानो आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ आएगी। और ये कैसे होगा? ये होगा भगवान शिव को मनाने के एक अचूक उपाय से। आज जो अचूक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अचूक है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सच्चा सा उपाय है। जी हाँ, बहुत ही सच्चा सा उपाय है। इस उपाय को अपनाइए और अपने जीवन में खुशियाँ लाइए। तो आइए बताती हूँ मैं आपको भगवान शिव को मनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी आपको भगवान शिव को मनाने के लिए आवश्यकता होगी? कहते हैं ना, भोले हैं बड़े भोले, वो तो किसी भी चीज़ से मान जाते हैं। भोले को मनाने के लिए सबसे ज़रूरी भोले के प्रिय होते हैं बेलपत्र। जी हाँ, अगर किसी कारणवश आपके पास बेलपत्र नहीं है तो चंदन की लकड़ी तो आपके पास होगी ही होगी। वो